एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पता है दिवाली अभी आई नहीं है, बट एडवांस में मैं आप लोगों को विश कर दे रही हूँ, क्योंकि मुश्किल से अब 2 दिन रह गए हैं और दिवाली में कल है धनतेरस, उसके बाद छोटी दिवाली, दिन बड़ी दिवाली, दिवाली। मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिवाली से पहले पहले तक मेरे 2 से 3 वीडियोज़ और चले जाएँ। वीडियो बनाना आसान होता है, बस उसे मतलब लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना, एडिट करना, बाकी का जो प्रोसेस है ना, टाइम उसमें जाता है। और मुझे सच में ये काम इजी लगता है, मैं फटाफट फटाफट शूट कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है एडिट करने में। और मैं सबसे बड़ी बात है, मैं बैठ नहीं पाती हूँ लैपटॉप लेके मीटिंग की वजह से। एनीवेज, तो मैं शूट कर रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि कल। तो चलिए, मैं आप लोगों को आज बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ना ये सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बिल्कुल दिवाली के लिए अप्रोप्रिएट है, डिफरेंट सा है। मैंने इससे पहले सूट दिखा दिया है आपको, आज है बारी लहंगे की और कल बारी आएगी साड़ी की। साड़ी का ऑलरेडी मैंने शूट कर लिया है, अगर एडिट हो जाएगा तो आप लोगों को दिवाली से पहले मिल जाएगा। तो चलिए, ये सब बातों को करते हैं साइड और मैं दिखाती हूँ। आज मैं 3 आउटफिट आपको दिखाऊंगी, तीनों के तीनों लहंगे हैं, तीनों सेमी स्टिच्ड है, बट आप इसको दूसरे टॉप के साथ वेयर कर सकते हैं, इनकेस अगर आप अभी अभी इसे ऑर्डर करते हैं, या फिर बाद के फेस्टिवल्स के लिए भी आप इसे अभी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये सब बातें ना करते हुए दिखाती हूँ आपको अपना सबसे पहला, मेरा पहला आउटफिट है ना, ये कम्प्लीटली मेरा फेवरेट कलर है। मतलब आप लोग को अभी तक तो आइडिया हो जाएगा, हो गया होगा कि मैं ये कलर जो है बहुत ज़्यादा पसंद। तो इस कलर के साथ में कॉम्बिनेशन है, इसमें वाइट का बहुत डिफरेंट लहंगा है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये है वाइट कलर का लहंगा, मैं पहले इसका स्कर्ट का पीस दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर है, पूरा वाइट है, जिसमें कि इस पिंक का बीच बीच में मिरर वर्क है। मिरर जो है वो फेक मिरर जो है वो है, और इसमें अटैच किया हुआ है, सिलाई करके इसमें अटैच किया हुआ है। साथ में ये बड़ा अच्छा सा सुंदर सा इसमें साइड में लटकन मिल जाता है, ये कुशन है कम्प्लीटली। और ये लटकन एक्चुअली मुझे बड़ा सुंदर लगा, बस इसमें मुझे एक पॉइंट नहीं सही लगी, यहाँ कुछ हुक बटन या जिप कुछ देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह का ये डोरी बोलेंगे ना, ये थोड़ा सा स्लिपरी है। मैंने बहुत टाइट करके बांधा हुआ था, बट फिर भी धीरे धीरे से ये लूज़ हो जा रहा था। तो एक साइड में सिक्योर करने के लिए कुछ तो यहाँ इनको ऐड करना चाहिए था। तो खैर, वो आप खुद से भी लगवा सकते हो, क्योंकि ऐसे भी सेमी स्टिच्ड है, तो अगर आप इसका ब्लाउज़ बनवाओगे तो डेफिनेटली इसको भी करवाना ही पड़ेगा सही। तो अदरवाइज़ ये बड़ा बहुत ही सुंदर ये लहंगा जो है, पता नहीं मेरे चेहरे पे लाइट सही से आ रही है कि नहीं आ रही, आज मैंने सेटअप थोड़ा अलग किया हुआ है। तो और उसके बाद इसका है ये दुपट्टा, मैं दिखाती हूँ। दुपट्टा बांधनी प्रिंट में है, पिंक एंड वाइट का। दुपट्टे की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये थोड़ा सा प्राइसेस अगर इसकी मैं बताऊँ आपको, तो ये थोड़ा मैं चेक करके अभी आपको बता देती हूँ। तो इसकी प्राइस मैं अगर ऑनलाइन आपको बताऊँ, तो मैंने इसके लिए पे किया हुआ है 3,400, और इसकी प्राइस अभी थोड़ी बढ़ गई है। अभी मैं अगर दिखाऊँ तो ये आप देखोगे, अगर क्लियर हो रहा होगा तो इसकी प्राइस इसमें 4,500। और इसका रीज़न ये है ना, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक है, बट इसको आप अपने विश लिस्ट में डाल दो और ये बहुत ही सुंदर है, आप इसको बाद में भी किसी ओकेज़न पे पहन सकते हो। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा, इसमें क्या होता है ना, आप मिंत्रा में आप चेक करोगे, जब कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक होता है तो उसका जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो दिखता है, ये जैसे ही स्टॉक में आएगा ना तो इसका डिस्काउंट कट करके फिर आपको वो प्राइस दिखेगा, जो कि मुझे 3,400 में मैंने ये ख़रीदा। तो थोड़ा सा ये प्राइस इसका ज़्यादा है, तो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। और इसके साथ में ये मिलता है वाइट कलर में इसका टॉप, तो मैंने इसको पिंक कलर के ब्लाउज़ के साथ पहना हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा मैच कर जा रहा है। तो देखो, आप उसको वैसे भी कर सकते हो कि अगर आप लेट ऑर्डर कर रहे हो, लेट जाके परचेज कर रहे हो, तो आपको टाइम नहीं है कि आप इसको सिलवा सको, तो बड़ा इजीली इसमें दूसरा टॉप मैच है, मैंने पिंक कलर के ब्लाउज़ के साथ पहना हुआ है और बहुत अच्छा मैच कर गया, बहुत अच्छा मैच कर गया वो। तो इसके साथ में ये वाइट कलर का क्लोथ है, इसको तो मैं सिलवाऊंगी, तो बिल्कुल जैसा आपको पिक्चर में दिखा ना, फुल स्लीव में बहुत अच्छा लग रहा, फुल स्लीव में इसका टॉप बहुत अच्छा जाएगा इस लहंगे के साथ में। तो ये था पहला जो कि मुझे सुपर डुपर पसंद आया है। अब मैं आपको अपना दूसरा प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, जो कि ऐसा सच में आपने नहीं देखा होगा, पीस है ये, सच में बहुत अच्छा है, बहुत ही अलग डिफरेंट डिज़ाइन है ये।
तो ये कुछ इस कलर में है, इसमें शायद कलर यही अवेलेबल था। तो आप इसका देखो, ये नीचे का इतना सुंदर है, इतना हैवी है और इतना सॉफ्ट है, ये बहुत अच्छा फ्लेयर है। बिल्कुल आपको प्रिंसेस का जो गाउन होता है ना, वो वाला फील आएगा जब आप इसको पहनोगे। तो कैमरे में जितना दिख पा रहा है, मतलब पूरा लेंथ में एक साथ नहीं दिखा पा रही हूँ, आप ट्राई ऑन साइड में देखना, बहुत ही सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर है। तो ये है इसका बॉटम पार्ट और यही इसका बेस्ट पार्ट है। ये फ्लावर इसमें इतना सही देता है ना, इतना सही लुक है कि आप लहंगा पहन रहे हो और प्लस एक लहंगा जो बेसिक लहंगा होता है ट्रेडिशनल जो हमेशा से पहनते हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं आपको नीचे ऐसे दिखा पाऊँ, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ और आप देखो कि ये कितना अच्छा भारी सा चौड़ा सा है। ये मैं सोफे पे बैठ कर के यहाँ शूट कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसमें कपड़े खुलकर, डिज़ाइनर ने बिल्कुल भी इसमें कपड़ों की कंजूसी नहीं की हुई है, बहुत अच्छा भर भर के कपड़ा है। इसके अंदर जो है आपको इस तरह का ग्लेजनी कपड़े में है ये, थोड़ा सा इसका भी स्टफ बहुत अच्छा है। और अंदर दिखा दूँ आपको मैं, अंदर भी बहुत अच्छी सिलाई है, बस इसमें ये कि इंटरलॉक नहीं है, तो इंटरलॉक आप खुद से भी करवा सकते हो, ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये धागे वैसे निकलने वाले नहीं हैं। तो इन शॉर्ट मैं इसमें कोई बुराई नहीं दिखा सकती हूँ, बहुत ही सही है। इसका फैब्रिक यूनिक है, कलर बहुत प्यारा है, कलर सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है, और ये जो नीचे इसका डिज़ाइन है ये बहुत प्यारा है। तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो कि बेकार है, सच में पहनने के बाद ना एक अलग ही लुक आ रहा था, मैं बड़ा खुश हुई थी इसको पहन के। तो इसके साथ में ये है इसका दुपट्टा, सेम फैब्रिक है, सेम कलर है, किनारे इस तरह से आपको ऐसी सिलाई मिल जाती है चारों तरफ, काफ़ी चौड़े में है ये, इसकी चौड़ाई है काफ़ी चौड़े में इसका दुपट्टा है। आप उसके बाद ये मिलता है आपके टॉप के लिए, सेम कलर में इस तरह का इतना क्लोथ मिल जाता है। तो आपको जैसा मर्जी आप वैसा टॉप इसके साथ बना सकते हो, और अगर टॉप नहीं बनाना चाहते हो आप, तो इसमें आप गोल्डन कलर का टॉप ले लो साइड से, बहुत अच्छा इसमें मैच कर जाएगा। या फिर ये जो फ्लावर में आपका दो कलर मिल रहा है ना, ये दो कलर है इसमें, तो ये वाला जो कलर है इसका आप टॉप बना सकते हो, बड़ा बहुत अच्छा मैच हो जाएगा। ये जो ऑलिव ग्रीन है उसका आप बना सकते हो। तो ये था इसका, ये था मेरा सेकेंड प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट पे, तो ये तो ऐसे दिखेगा आपको कॉमन सा, मैंने इसे पहले भी कुछ लहंगे मीसो के दिखाए हुए हैं, तो उसमें कुछ इस तरह का लहंगा मैंने दिखाया था, बट आज जितने भी मेरे प्रोडक्ट हैं ना, वो 2-2.5 हज़ार से ऊपर के हैं। तो इसमें क्या है कि आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। इससे पहले वाले लहंगे का मैं आपको प्राइस बता देती हूँ, दिखाऊँ मैं, ये रही ये मॉडल के पिक है, आप देखो कितना सही लग रहा है। इसका प्राइस 3000 है, ये भी करंटली आउट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि ये चीज़ें ही बहुत, और मैंने इसके लिए पे किया हुआ है 2250 रुपीज़। तो आपको प्राइस इतना ही आएगा आप ये, क्योंकि जैसे ही स्टॉक में आता है, मुझे लगता है कि अभी दिवाली सेलिब्रेशन की वजह से ना थोड़ा अभी क्या है कि दिवाली और फेस्टिव सीज़न की वजह से चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक मुझे दिख रही हैं, लेकिन ये कल तक था अवेलेबल। आप विशलिस्ट में डाल दो अगर आपको पसंद आता है सच में, क्योंकि पसंद आने वाली चीज़ ही है, इसीलिए इतना आउट ऑफ स्टॉक भी हो रहा है। तो आप इसको डेफिनेटली, अगर आपको पसंद आता है तो आप आँख बंद करके ले लो, चीज़ें अच्छी है। अब मैं आती हूँ अपने थर्ड प्रोडक्ट पे। तो मैंने बताया कि इस तरह का लहंगा जो है मीशो पे बहुत ईजिली मिलती है, मीशो पे मिलती है, मीन्स इसलिए बता रही हूँ मैं कि मीशो पे सस्ती मिल जाती है, 600-700 तक मिल जाती है। और मैंने हॉल किया भी हुआ है, आप मेरा पिछला हॉल जा करके लहंगे वाला देखना जिसमें मैंने मीशो के ऊपर किया हुआ है। सिमिलर कुछ बहुत सिमिलर मैंने ऐसा, शायद ब्लू कलर में एक लहंगा है उसका मैंने किया हुआ है, बट मैंने दोनों को वेयर किया है ना, मैं बता रही हूँ क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वेट है इस लहंगे में काफ़ी, ये ग्रीन रेड और येलो का कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखा दूँ, और इसकी लेंथ बहुत अच्छी खासी है। मैंने बिल्कुल यहाँ से पहना हुआ है तो भी मुझे हील्स डालने पड़े इसको पहनने के लिए। जनरली मैं जो हॉल करती हूँ तो मैं स्लीपर नहीं पहनती हूँ, मैं अपने मतलब बेयरफुट ही मैं ऐसी खाली पैर ही कर लेती हूँ, क्योंकि घर के अंदर है मुझे क्लोथ्स दिखाने हैं, लेकिन इस लहंगे का लुक दिखाने के लिए ना मुझे सैंडल पहनना पड़ा जाके।
इसमें और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो सस्ते वाले इसकी कॉपी जो मिल जाती है, जो सस्ते लहंगे होते हैं उसका जो नीचे का ये चौड़ाई जो बोलेंगे ना वो इतना नहीं है जितना कि इसमें है, ये अच्छा खासा चौड़ा है। बट इसमें भी आपको कैन कैन जो बोलते हैं ना वो नहीं मिलेगा, ऐसा इस तरह का हल्का सा अस्तर मिलेगा। आपका जो ये मेन फैब्रिक है ये काफ़ी भारी है, ये थोड़ा सा स्कर्ट डिज़ाइन है इसीलिए इसमें कैन कैन देके इसको भारी नहीं किया है, ये मतलब ऐसे ही अच्छा लगेगा, आपको ज़रूरत नहीं है इस। और इसमें ही अटैच्ड है इसका ये अपर टॉप पार्ट जो है, जो कि ग्रीन कलर में ही है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको रेड कलर या फिर येलो कलर के टॉप के साथ भी बहुत आराम से पहन सकते हो। ऐसे तो इसको बनवा लोगे तो अच्छा लगेगा ही डेफिनेटली। और इसका क्लोथ जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है मैं खोल के दिखा नहीं पा रही हूँ आपको, इसमें अटैच्ड है ये जो है, मतलब काफ़ी यूज़ दिया है। अगर आपको इसमें फुल स्लीव बनवाना है या फिर अगर आप थोड़ा हेल्दी हो, थोड़ा चौड़े बनवाना, जैसा भी आप बनवा सकते हो, क्योंकि बहुत खुलकर इसमें कपड़ा जो है वो दिया हुआ है आपको, और कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी, बहुत मोटा थिक कपड़ा है, तो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये देखो आप, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत अच्छा मोटा कपड़ा है। तो ये हो गया इसका टॉप का पार्ट, और मैंने इसका बॉटम जो लहंगा है वो तो दिखाई दिया आपको। अब है इसका दुपट्टा, इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा है, मैं आपको एक मिनट दिखा रही हूँ। दुपट्टा जो है वो बनारसी दुपट्टा जो होता है ना वैसा कुछ है, मैंने पहले भी ऐसा आपको दिखाया हुआ और आपको सजेस्ट भी किया था कि इस तरह के जो स्कर्ट के साथ में ऐसा दुपट्टा जो मिल जाता है मेरा, पिंक कलर के, इस कलर में, ब्लैक कलर में, बहुत सारे कलर्स में आप लहंगे के साथ आ जाते हैं, जो कि आप अपने दूसरे सूट के साथ में भी इसको वेयर कर सकते हो। बहुत अच्छा आजकल अनारकली सूट ले लो, उसके साथ में इस तरह का दुपट्टा ले लो, या फिर प्लेन वाइट कलर का सूट हो, ब्लैक कलर का सूट हो, उसके ऊपर इस तरह के जो बनारसी दुपट्टे होते हैं ना वो बड़ा अच्छा जाता है और फेस्टिव लुक देता है। अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो अगर दीपिका पादुकोण की शादी हुई थी, दीपिका पादुकोण की अगर मैं गलत ना हूँ तो, दीपिका पादुकोण की शादी के बाद जो जो एक लुक आया था उनका मीडिया में, तो उन्होंने कुछ ऐसा ही पहना हुआ था कि वाइट कलर का या फिर थोड़ा सा गोल्डन कलर टाइप में शाइनी सा सूट था, बिल्कुल प्लेन, और उसके साथ में ऐसा ही दुपट्टा था। उस टाइम से ही मुझे लगता है कि मैंने उस टाइम पे ही गौर किया था और मुझे चस्का चढ़ गया था कि मुझे इस तरह का बनारसी दुपट्टे के साथ, मेरे पास बनारसी दुपट्टे दो दो पड़े हुए हैं, अभी यहाँ नहीं है, होम टाउन है, मैं भी होम टाउन रिसेंट ही मतलब बहुत जल्दी मैं जाने वाली हूँ, तो मैं आपको वहाँ के भी अपने जो क्लोथ्स है वो सब अपने ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह के दुपट्टे मेरे पास पहले से भी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस दुपट्टे का क्वालिटी भी, मैं बातें करते करते कहीं और चली जाती हूँ, तो ये दुपट्टा भी ना अच्छा, मतलब इसमें भी आप देखोगे ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है, और इसका इसका नीचे का वर्क गोल्डन में बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर दुपट्टा इसके साथ में दिया है, बीच में यहाँ पूरा स्क्वायर स्क्वायर में गोल्डन कलर में ही इसमें प्रिंट, प्रिंट तो नहीं है, ये वर्क ही है, धागे का, धागे से बुनावट है पूरे में, तो और इसकी लंबाई भी अच्छी खासी है, चौड़ाई ये जितनी जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही चौड़ाई है, तो दुपट्टा भी इसका बड़ा अच्छा सा है। और इसकी भी प्राइस मैं आप और इसकी भी प्राइस मैं आपको अभी वीडियो में ही बता देती हूँ। तो ये रही मॉडल जिसने पहना हुआ है, ग्रीन कलर का ऊपर टॉप है, रेड कलर का, बहुत सुंदर दिख रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ही लुक आएगा, मिंत्रा में जो पिक लगी होती है ना बिल्कुल वैसा ही, मतलब 90% टाइम आपको बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट देते हैं जैसा कि वो इमेज लगाए होते हैं। प्राइस यहाँ 1679 यहाँ दिख रहा है, मैंने जो पे किया हुआ है सेम यही प्राइस है, देखिए ये स्टॉक में है तो प्राइस भी बिल्कुल वही दिख रहा है। समटाइम्स क्या होता है ना, प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, अगर कुछ ऑफर वगैरह आता है तो और कम हो जाता है। तो इसमें देखिए वन साइज़ लिखा हुआ है, ये आएगा सेमी स्टिच्ड है तो आएगा, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसको फिट कराना होगा, ब्लाउज बनवाना होगा। तो ये तीन पीसेज मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया आपको, तीन ही दिखाया, ये फेस्टिवल और ओकेज़न के लिए, स्पेशली दिवाली के लिए द बेस्ट है। मुझे मैंने बहुत ढूंढा, सर्च किया और यूनिक से यूनिक चीज़ निकालने की कोशिश की है, और मुझे तीनों ही प्रोडक्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। तो चलिए आप लोग ही बताना और ये बताना कि तीनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा, और मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लग रहा था या फिर कौन सा बेकार लग रहा था, हमेशा की तरफ प्लीज़ आप लोग कमेंट करके, अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आप लोग बताना भी ज़रूर, इससे मुझे भी आइडिया लगेगा ना कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो व्यूअर हैं, जो स्पेशली जो वीडियो देख रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं किसी भी कपड़े को ले करके। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। एनीवेज इस वीडियो को मैं बहुत लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करती हूँ यहाँ पर एंड। इन सब के पिक्स आपको मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पर, मैं पिक्स वीडियो में नहीं डाल रही हूँ,
तो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, और लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।